नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M51। दोस्तों आज हम इस वीडियो में M51 के जो गैलरी ऐप है उसमें जो यूनिक फीचर्स मिलते हैं, ऐसे तीन यूनिक फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको किसी भी एम सीरीज के फोन में नहीं मिलते, आपको केवल M51 में ही मिल जाते हैं। जैसे आप गैलरी ऐप को ओपन करते हो, अगर आपको कोई भी फोटो एडिट करनी होती है, आपको पता है अगर मान लो मुझे ये फोटो एडिट करनी है तो आपको यहाँ पे पेंसिल का आइकॉन मिल जाता है नीचे में, आप जैसे इस पे क्लिक करते हो तो आप अपनी फोटोज को एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है ऑटो एडजस्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर ये कौन सा आइकॉन है अगर आपको जानना हुआ तो आप इस पे लॉन्ग प्रेस कर सकते हो और यहाँ पे आपको नाम दिखाई देगा, ये है ऑटो एडजस्ट। दोस्तों ऑटो एडजस्ट का मतलब क्या है, अगर मान लो आपने किसी फोटो को क्लिक किया है लेकिन आपको लगता है कि वो ठीक से क्लिक नहीं हुई है, तो अगर आप ऑटो एडजस्ट करते हो तो जो फोटो होगा ऑटोमेटिकली क्रॉप भी हो जाएगा, ओरिएंटेशन भी चेंज होगा, और इसके अलावा जो टोन होता है जैसे कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, सैचुरेशन, ह्यू, ये सब भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर आपको एक अच्छी पिक मिलेगी एडिट करने के बाद। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे ऑटो एडजस्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये पिक बन के आ चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो आपको जहां कहीं पे भी जो येलो डॉट दिखाई देगा, येलो डॉट यहाँ पे है, मतलब ये यहाँ पे इन्होंने जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे भी येलो डॉट है, आप यहाँ पे देख सकते, छोटा सा येलो डॉट आपको दिखाई देगा। और इस पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ पे येलो डॉट है और यहाँ पे येलो डॉट है, मतलब ये है एक्सपोजर, तो इन्होंने ऑटोमेटिकली एक्सपोजर चेंज कर दिया है। और इसके अलावा यहाँ पे भी येलो डॉट है, मतलब इन्होंने कॉन्ट्रास्ट भी चेंज कर दिया है। तो इन्होंने इस तरह से एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट भी चेंज किया है और ओरिएंटेशन भी चेंज किया है, ऑटो क्रॉप भी किया है, और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे ऑटो एडजस्ट किया है ताकि हमें एक अच्छी पिक मिले एडिट करने के बाद। तो अगर आप इसे सेव कर देते हो तो आपने जो फोटो क्लिक की थी उससे अच्छी आपको एक नई फोटो देखने मिल जाएगी, आपको मैन्युअली कोई भी एडिट नहीं करना है, आप बस एक टैप से अपने फोटो को ऑटो एडजस्ट कर सकते हो। और दोस्तों जो दूसरा यूनिक फीचर है वो है लैसो, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो, आप जब यहाँ पे रोटेट पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे आखिरी ऑप्शन दिखाई देता है वो होता है लैसो का, तो लैसो का मतलब होता है रस्सी। तो इसमें क्या होता है, आप अगर कोई भी शेप उसके बॉडी के अराउंड में ड्रॉ करोगे तो बॉडी जो बैकग्राउंड से अलग हो जाएगी। आपने कई सारे यूट्यूबर्स के थंबनेल पे देखा होगा, वो कई सारे अपनी फोटोज लगा देते हैं फोटोज में, थंबनेल में, तो यहाँ पे अगर मुझे इस बॉडी को, इस ऑब्जेक्ट को अलग करना है या फिर बैकग्राउंड मुझे निकाल देना है तो आप वो भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे स्नैप टू शेप इस पे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करना है उसके बॉडी के अराउंड में, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो बॉडी के अराउंड में ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर यहाँ पे स्नैप बन चुका है, लैसो बन चुका है। अब आप इस पे टिक करोगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा और फिर आपको यहाँ पे सेव कर देना है बस। और फिर अगर आपको इस फोटो को कहीं और रखना है किसी दूसरी फोटो पे तो आप रख सकते हो, मान लो मुझे इस फोटो पे रखना है उस फोटो को, तो मैं यहाँ पे इसे एडिट करूंगा और फिर यहाँ पे आपको जाना है स्टिकर में, फिर आपको यहाँ पे गैलरी में जाना है, लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे गैलरी का, आपको इस पे क्लिक करना है और फिर आपको उस फोटो को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो अब मैंने इस फोटो को इस तरीके से एडिट कर दिया है और आप इस तरीके से इसे रख सकते हो, मतलब आप अब समझ सकते हो किस तरीके से आप यहाँ पे जो फोटो में से बैकग्राउंड क्लियर करके इस फोटो को जहां चाहे वहां रख सकते हो, तो काफी बढ़िया लगता है इस तरीके से। तो आप भी अगर इसका यूज करना चाहते हो तो लैसो में जाकर आपको स्नैप टू शेप करना है। और दोस्तों जो तीसरा यूनिक फीचर है वो है ऑटो डूडल का, जिसे हम मैजिकल ब्रश भी कहते हैं। तो आपको ये मिलता है ड्रॉइंग में, जब आप ड्राइंग पे क्लिक करते हो यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ये, और यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में ब्रश मिलता है। जब आप इस पे क्लिक करके सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको कलर चूज करने का भी ऑप्शन मिलता है, मान लो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर रखा हुआ है, तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मान लो मुझे यहाँ पे कोई पत्ते का या फिर लीव का एक ड्रॉइंग करना है, मुझे ड्रॉइंग आती नहीं है मान लो, और मैं इस तरीके से कर लेता हूं तो यहाँ पे मुझे सजेशन आ जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में मुझे पत्तों के कई सारे सजेशन आ चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिर आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो और आपको जहां पे प्लेस करना है उस तरीके से आप उसे रोटेट भी कर सकते हो, और आपको जहां पे इसे रख देना है आप वहां पे इसे रख सकते हो। और दोस्तों मान लो मुझे कोई बटरफ्लाई ड्रॉ करना है तो आपको उसी तरह से मैजिक ब्रश पे क्लिक करके कलर सिलेक्ट करना है
और फिर यहाँ पे आपको अपने हिसाब से आप जिस तरह से ड्रॉ करना चाहते हो उस तरह से यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है बटरफ्लाई, और फिर आपको यहाँ पे सजेशन मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं पे तो सजेशन होंगे ही। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको चार ऊपर में बटरफ्लाई के सजेशन मिल गए हैं, और आप किसी भी एक को सिलेक्ट करके यहाँ पे उसे छोटा बड़ा कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, और इस तरह से इसे रख सकते हो, और फिर यहाँ पे आपको सेव करना है। तो आप इस तरीके से ऑटो डुडल का भी यूज कर सकते हो, जिसे हम मैजिकल ब्रश भी कहते हैं। काफी यूजफुल फीचर है ये। तो दोस्तों इस तरीके से आप गैलेक्सी M51 में इन तीन यूनिक फीचर्स का यूज कर सकते हो फोटोज को एडिट करने के लिए। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।